बस एक बार इसको बनाकर पी लो, इसका स्वाद आपकी जुबान को ऐसा भाएगा कि सारी गर्मी आप इसको बार बार बनाकर पियोगे, क्योंकि इसका एक घूंट लेते ही आप तरोताजा हो जाएंगे। और ये कोई ऐसा वैसा शरबत या कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि ये बहुत काम की चीज़ है। फिर आप ये सोच रख के पछताओगे कि इतने साल बाजार से लाकर खर्चा क्यों किया। तो बस यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो ये क्या है और ये कैसे बनता है, तो आप आगे तक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देरी किस बात की है, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ लेनी है वो है ताजगी से भरपूर, और इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू एकदम रिफ्रेशिंग होती है, और इसी के साथ साथ ये इतनी हेल्दी होती है कि गर्मी में गर्मी रहेगी दूर और एनर्जी रहेगी भरपूर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सौंफ ली है और ये मैंने पानी में भिगोई हुई ली है। हमें यहाँ इसे 4 से 5 घंटों के लिए आधा कप सौंफ को पानी में भिगो देना है। फिर इसके बाद इसको मिक्सी के जार में सौंफ और इसका पानी डालकर हमें पीस लेना है, क्योंकि इसके पानी में सौंफ के फ्लेवर भी हैं और सारे न्यूट्रिशन भी हैं। तो यहाँ हमें इसका पानी हटाना नहीं है, यहाँ पर हम सौंफ को पीस लेंगे और जितना हो सके हम उतना अच्छा बारीक इसको पीसेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम इसे पीसेंगे उतना ही अच्छा सौंफ का अर्क यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ हरी इलायची ली है जिसको भी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है और ये काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सब दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसके ऊपर हम छल्ली रखेंगे और एक सूती कपड़ा रखकर छान लेंगे। सौंफ में ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये ठंडक देने का काम करते हैं, ये पेट के लिए भी और डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हार्ट हेल्दी होते हैं, और ख़ास बात सौंफ से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। गर्मियों में जब आप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पर सौंफ का सारा रस दबा दबा कर निकाल लिया है, तो हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल रस इस तरह बनकर तैयार हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी ली है, उसी के हिसाब से हम नाप कर 1 कटोरी पानी लेंगे और इसके साथ हम इसको इसमें मिला देंगे, और लो टू मीडियम आंच पर हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से घुल नहीं जाती, क्योंकि हमको इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि हमको इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है जब तक चीनी घुल नहीं जाती। तो सौंफ के न्यूट्रिशन इतने फ़ायदेमंद होते हैं, ये इतना रिफ्रेशिंग होता है, ना तो इसमें कोई मिलावट होती है, और घर पर ये नेचुरल तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आपका मन करे कुछ एनर्जीफुल ड्रिंक पीने का, तो आप इस ड्रिंक को बनाकर स्टोर कर लीजिए, और जब भी मन करे तो इसको तुरंत बनाकर आप पी सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब हमने जो रस तैयार करके रखा था सौंफ का, इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये इसमें अच्छे से पक नहीं जाता। इसको हमें इसमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि जब तक ये सौंफ इसमें अच्छे से नहीं पकेगी तब तक हमारा शरबत बनके अच्छे से रेडी नहीं होगा। अगर इसको हम अच्छे से पकाएंगे तो यहाँ पर इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये हमारा फ्लेवरफुल बनकर तैयार है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी चीनी की गंदगी आ गई है, तो इसको हम चम्मच से निकाल लेंगे। तो इस तरह बॉईल करते करते इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ गया है, हमको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी यह थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आप इसको ठंडा करके एक कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, 4 से 5 महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इस सौंफ के शरबत के इतने फ़ायदे होते हैं कि गर्मियों में जब बच्चों के गर्मी के कारण नाक से खून निकलता है, तो आप उनको जब 2 दिन इसका शरबत पिलाएंगे तो उनके नाक से खून आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी
ठंडक होती है और ये इतना रिफ्रेशिंग होता है कि इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे ही फायदे होते हैं। तो आप इसको गर्मियों में एक बार ज़रूर स्टोर करके रखिए, ये बहुत ही हेल्दी है। और आप बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाना भी भूल जाएंगे जब आप इस शरबत को बनाकर पियेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइए कि आपको सौंफ के कौन कौन से फ़ायदे हुए हैं और इसके और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपने गर्मी में इस शरबत को बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि इस लाजवाब रेसिपी को तो एक बार बनाना बनता ही है, क्योंकि ये इतना सस्ता और सबसे खास बात इतना न्यूट्रिशियन शरबत है कि इसके अनेक बेनिफिट हैं, तो बनाना तो बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ साइट्रिक एसिड के दाने जो चीनी की तरह दिखते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे शरबत को जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें जो चीनी है वो क्रिमलाइज नहीं होगी और इससे हम इस सौंफ के शरबत को काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है। इस साइट्रिक एसिड को डालने से क्या होगा कि हमारा जो सौंफ का शरबत है काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर हमारा सौंफ का शरबत हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा तब इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा शरबत ठंडा हो गया है, कितना सुंदर कलर आया है। तो मैं आपको एक शरबत बनाकर दिखाती हूँ। जब भी आप बहुत बिजी हो और गर्मी से थके हुए हो तो आप बस ग्लास में आइस क्यूब डालिए, पानी ऐड कीजिए और बस आप इस शरबत को इसमें डाल लीजिए और मिक्स कर कर पी लीजिए। है ना कितना जल्दी बनने वाला शरबत। तो इसको ना तो हमें कोई झंझट करना है, बस एक ग्लास में बहुत सारे आइस क्यूब डालो, पानी डालो और बस इस शरबत को इसमें मिक्स करो और इंजॉय करो। तो ये ड्रिंक हमारा बनकर हो गया है रेडी। आप इसको तुरंत बनाकर बहुत ही जल्दी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा ड्रिंक बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। तो बस ग्लास में डालो आइस क्यूब, इसमें ऐड करो ठंडा ठंडा दूध और बस ठंडा दूध ऐड करने के बाद इस शरबत को इसमें ऐड कर दो। तो ये बन गया हमारा मिल्क सौंफ का शरबत। इतना रिफ्रेशिंग, इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको एक बार बना लेंगे और बच्चे भी इसको बार बार पियेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते की कतरन ली है, इसके ऊपर हम इसमें डाल देंगे और ये मिक्स कर देंगे। तो ये सौंफ के शरबत से हमने दो शरबत बनाए हैं, कितनी जल्दी ये शरबत रेडी हो गए हैं। तो गर्मियों में इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाना तो बनता है, इसको गर्मियों में इंजॉय करो, गर्मी को दूर भगाओ और पूरे दिन रहो तरोताज़ा इस ड्रिंक को पीकर, क्योंकि ये तो हमारा हेल्दी ड्रिंक है ही और सब बूढ़े बड़े सबको ये ड्रिंक बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी बाहर से चीज़ नहीं ली है, ये सब चीज़ हमारे घर की रसोई में अवेलेबल होती है। तो इंजॉय करो, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए बाय बाय।